हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपशिखा अग्रवाल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए बॉलीवुड थीम से रिलेटेड बहुत सारे गेम्स लेकर के आई हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके किटी पार्टी में सारे मेंबर्स बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या गेम्स हैं। उससे पहले एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ताकि हम मेरी जितनी लेटेस्ट वीडियो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं गेम। गाइस, मेरा जो सबसे पहला गेम है वो तो आपको पता है, बॉलीवुड थीम हो और अमिताभ बच्चन का नाम ना हो, जो हमारे सुपरस्टार है, शहनशाह है। तो मैंने सबसे पहला गेम वही रखा है कि बॉलीवुड थीम से अमिताभ बच्चन से रिलेटेड ये गेम है। इस पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें हमें अमिताभ बच्चन की मूवीज फिल करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस गेम को कैसे करना है। डायबिटीज के रोगियों को डैश खानी चाहिए, केंद्र में बीजेपी शासित है डैश, इन डैशों में आपको सारी जितनी अमिताभ बच्चन की मूवीज हैं वो सब भरनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऐसा पेपर फोटोस्टेट करा लेना है और अपने किटी मेंबर्स को सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और इनको खोलना नहीं है। सबसे पहले उन्हें अपना नाम लिखना है और उनसे कहना है कि एक मिनट का टाइम उन्हें दे देना है, और फिर जब आपकी टाइम शुरू हो जाएगा तब उन्हें इसको खोलना है और अमिताभ बच्चन की मूवीज के नाम इसमें भरने हैं। तो चलिए मैं आपको इसका बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या मूवीज आएंगी। सबसे फर्स्ट है डायबिटीज के रोगियों को डैश खानी चाहिए, क्या चीनी कम। केंद्र में बीजेपी शासित सरकार है, ये सारी मूवीज अमिताभ बच्चन की मूवीज हैं। हमें अपने देश पे अभिमान होना चाहिए, बहुत ही अच्छी मूवी है अमिताभ बच्चन की। डैश नाक पर, श्री कृष्ण ने विजय प्राप्त की थी कालिया नाक पर। मेरे बच्चों का नाम बंटी और बबली है। खरे सोने को कसौटी पर परखा जाता है। मेरे दोस्तों के नाम अमर, अकबर और एंथोनी है। प्रेम की जंजीर से परिवार को बांधा जा सकता है। रंजिश का सिलसिला बहुत ही फेमस मूवी थी और बहुत ही अच्छी मूवी थी। डैश अकबर एक अच्छा शासक था, शहंशाह। मेरे डैश मुझे बहुत प्यार करते थे, पा। औरत का विलोम मर्द होता है। कई बीमारियां चुपके चुपके शरीर में प्रवेश करती हैं। मानवता के नाते हम सब एक हैं। मैंने हमेशा दोस्तों से दोस्ताना निभाया है। किसी से कोई अपेक्षा ना रखने में ही जीवन का आनंद है। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये गेम? बहुत ही मस्त गेम है और बहुत ही मज़ेदार गेम है, और अमिताभ बच्चन की मूवीज़ का है तो सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आप अपनी किटी पार्टी में गेम कराइए और धूम मचाइए। चलिए नेक्स्ट गेम की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा जो बॉलीवुड मूवी गेम है उसमें मैंने सारे बॉलीवुड के जितने फेमस डायलॉग्स थे वो सारे मैंने इसमें लिख दिए हैं, और इन फेमस डायलॉग्स की जो मूवीज़ हैं उनके नाम एक मिनट में आपके किटी मेंबर्स को लिखना है। आप ऐसा एक पेपर बना लीजिए और इसकी सारी फोटो स्टेट करा लीजिए, और फिर सबको इस फोल्ड करके सारे अपने किटी मेंबर्स में बांट दीजिए, और फिर उन्हें कहिए कि जब हम टाइम बोलेंगे, टाइम शुरू करेंगे तभी आप ये पेपर खोलिए। तो आप चाहे एक मिनट का चाहे डेढ़ मिनट का टाइम रख लीजिए, और फिर उनको ये पेपर खोलने के कहिए, और उसके बाद उन्हें बता दीजिए कि ये फेमस डायलॉग हैं बॉलीवुड मूवीज़ के, उस और मूवीज़ के आपको नाम सामने लिखने हैं। और सभी जब फटाफट देखेंगे और
पढ़ेंगे, जैसे मोगैम्बो खुश हुआ, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे पास माँ है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी धुन, ऑल इज वेल, तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ, इसी तरीके से सब पढ़ेंगे और फटाफट से इनके सामने इनके मूवीज के नाम लिखेंगे और जल्दी जल्दी दिमाग का गेम है, फटाफट वाले आपको मेमोरी गेम है, बहुत जल्दी जल्दी आपको लिखना है, जो आपका एक या डेढ़ मिनट में ये पूरा पेपर कंप्लीट कर लेगा वही आपका विनर होगा। तो गाइस कैसा लगा आपको ये गेम, एक बार मैं इसकी की आपको बता देती हूँ, हो सकता है आपको कहीं कुछ ना याद आए तो उसके लिए बताती हूँ, मोगैम्बो खुश हुआ ये मिस्टर इंडिया का डायलॉग है, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना ये बहुत फेमस डायलॉग है शोले का, मैं अपनी फेवरेट हूँ, आप बताइए कौन सी मूवी का है। तो गाइज आपको याद आया, मैं अपनी फेवरेट हूँ जब वी मेट, मेरे पास माँ है, ये तो बहुत ही पुरानी मूवी का बहुत ही फेमस डायलॉग है, दीवार, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, ये तो बहुत ही गोल्डन जुबली मूवी है, DDLJ, ऑल इज वेल, थ्री इडियट्स, तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ, कुछ कुछ होता है, मैं फेंके हुए पैसे आज भी नहीं उठाता, ये दीवार मूवी का है बहुत ही फेमस डायलॉग, अमिताभ बच्चन का, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का, ये है मुन्ना भाई MBBS, कितने आदमी थे शोले, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, याद आ गई आपके मूवी, ओम शांति ओम, उठा ले रे बाबा हेरा फेरी, मारी छोरियां छोरों से कम है के, दंगल बहुत ही फेमस मूवी है बहुत ही अच्छी मूवी, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब प्यार से लगता है, दबंग मूवी। तो गाइस ये है इसकी की और आपको मेरा ये गेम कैसा लगा, बॉलीवुड मूवीज से आप अगर बॉलीवुड थीम रखते हैं अपने किटी की तो उसमें ये जो गेम है ये चार चांद लगा देगा, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। चलिए अब हम अपने दूसरे गेम की ओर चलते हैं। गाइस मेरा जो नेक्स्ट गेम है वो बॉलीवुड थीम गेम है जिसमें मैंने ऐसे मूवीज के नाम लिखने हैं जिस जो आधी हिंदी और आधी इंग्लिश में हो, है ना बिल्कुल मजेदार गेम। इसमें क्या है जैसे एग्जांपल मैंने दिया है किस्मत कनेक्शन, किस्मत हिंदी का वर्ड है और कनेक्शन जो है वो इंग्लिश का वर्ड है यानी हिंग्लिश, इसमें आपको हिंग्लिश मूवीज के नाम लिखने हैं जिसमें कुछ हिंदी में नाम हो और कुछ इंग्लिश में नाम हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, बता देती हूँ मैं इसे कैसे खेलना है, सबसे पहला किस्मत कनेक्शन, दूसरा ब्रेक के बाद, इसमें आप टाइम लिमिट 2 मिनट रख सकते हैं क्योंकि मेमोरी गेम है तो सबको याद करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, चेन्नई एक्सप्रेस, जब वी मेट, मुन्ना भाई MBBS, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, लव सेक्स एंड धोखा,
सुपर नानी। नेक्स्ट मैंने नंबर 7 ही तक लिखा है, लेकिन आप आगे भी लिख सकते हैं। लव आजकल, डियर जिंदगी, सन ऑफ सरदार, शुद्ध देसी रोमांस, तो गाइज ये मेरी 11 मूवीज हैं, बल्कि 12 हैं इसको मिलाकर के। और ये बहुत अच्छा मेमोरी गेम है, जो आपके जितने किटी मेंबर्स हैं उन्हें बहुत ही इंजॉय होगा इसमें। और चाहे आप किटी पार्टी में करिए या आपके घर में बर्थडे पार्टी हो उसमें भी ये बहुत ही मजे होगा। और बॉलीवुड थीम जब आप किटी पार्टी करेंगे तब तो ये बहुत ही इसमें इंजॉय होगा। तो चलिए आप नेक्स्ट गेम की ओर चलते हैं। गाइज मेरा जो नेक्स्ट गेम है वो भी बॉलीवुड थीम से रिलेटेड है, आपको पता ही है। इसमें हमने नंबरिंग कर रखी है कि जिन मूवीज में नंबर्स आते हैं उनके नाम हमें लिखने हैं, जितने भी नंबर आते हैं। कि बहुत सारी ऐसी मूवीज होती हैं जो जिनमें आगे नंबर होते हैं या पीछे या बीच में कहीं पे भी नंबर आते हैं, वो नंबर्स हमें इसमें फिल करने हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये बता देना है। और फर्स्ट जो ये है उसको आप एग्जाम्पल के रूप में इस मूवी का नाम दे सकते हैं, जैसे बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर ही। तो इस तरीके से आप उन्हें बता सकते हैं अपने किटी मेंबर्स को। और इसमें आप सिर्फ 1 मिनट का टाइम दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी गेम है। बहुत ऐसा नहीं है कि लोग बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत ही बढ़िया गेम है। और इसको जब किटी मेंबर्स आपके करेंगे तो बहुत ही मजे करेंगे और बहुत ही उन्हें अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं बताती हूँ। बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर ही, फर्स्ट है आपका तीसरी मंजिल, तो इसको आप तीसरी मंजिल ही लिखेंगे। टू स्टेट्स, आप इसमें टू भी लिख सकते हैं, टू स्टेट्स, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 1942 अ लव स्टोरी, थ्री इडियट्स, 100 डेज, दो और दो 5, आप 5 ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 2 आंखें, 12 हाथ, 16th December, 10 कहानियां, खिलाड़ी 786, चाची 420, बीवी नंबर 1, अब तक 56, 100 दिन सास के, आप इसको 100 दिन सास के ऐसे भी लिख सकते हैं। तो गाइज ये एक नंबर गेम है बॉलीवुड थीम का। तो कैसा लगा आपको ये गेम, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट गेम की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, जितने आपके किटी मेंबर्स हैं उतनी स्लिप्स आपको बना लेनी है, क्योंकि ये बॉलीवुड थीम से रिलेटेड गेम है। तो इसमें हम मैंने सारे जितने हीरो हीरोइंस हैं बहुत सारे, जितनी आपकी स्लिप्स में आ जाए, या आप रिपीट भी कर सकते हैं और आपको उनके नाम लिखने हैं। जैसे मैंने इसमें अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, काजोल, श्रीदेवी, रेखा, बहुत सारे जितने मुझे याद आए उतने मैंने सारे नेम्स लिख दिए हैं। और आप सारे अपने फ्रेंड्स को ये कहिए कि एक एक स्लिप्स इस बोल में से उठा लें, और 1 मिनट का टाइम दीजिए और सबको पेपर और पेन दे दीजिए। और उनसे कहिए जब आपका टाइम शुरू हो तो वो अपनी स्लिप्स खोलें और जो हीरो हीरोइन का नाम उस स्लिप्स में आता है उसकी 1 मिनट के अंदर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ के नाम हो वो उनको लिखने हैं। तो गाइज इसमें तो बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि ये भी मैं एक मेमोरी गेम है और सब लोग बहुत याद कर करके फटाफट सारे नेम्स लिखेंगे। और मैंने बहुत सारे हीरो हीरोइंस के नाम लिखे हैं, करिश्मा कपूर, ऐश्वर्या राय वगैरह, जो भी आपको याद है आप उसमें लिख सकते हैं। तो गाइज कैसा लगा आपको ये गेम, तो गाइज कैसे लगे आपको ये बॉलीवुड थीम गेम्स, पसंद आए ना? और बहुत मस्ती भरे गेम्स हैं, आपकी किटी पार्टी में धूम मच जाएगी, मजा आ जाएगा। तो अगर आपको ये गेम्स पसंद आए हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।